हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके सफेद बाल बहुत ही ज्यादा हो गए हैं और आप अपने सफेद बालों को हमेशा के लिए काला बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगी, इस नुस्खे के जरिए आप अपने सफेद बालों को हमेशा के लिए काला बना पाएंगे और इतना ही नहीं, वो कभी लौट कर भी वापिस नहीं आ पाएंगे। मात्र आपको दो चीजें यूज करनी है और आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं किन दो चीजों की बात कर रही हूँ। अब आपको कैसे लगाना है, किस तरह से आपको अपने बालों में अप्लाई करना, क्या पूरे बालों में लगाना है, सफेद बालों पर ही लगाना है, इसके लिए आपको मेरे इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखना होगा। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को बीच बीच में स्किप ना करें, ऐसा करने से आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आधी नहीं मिल पाएगी। और गाइस, दूसरा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं, तो गाइस जल्दी से चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहे। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से क्या लेना है और कैसे उसका यूज करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको लेनी है चाय पत्ती और दूसरा लेना है आपको मेहंदी। फ्रेंड्स, आपको कोई भी हर्बल मेहंदी लेनी है जो नेचुरल हो और आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। और आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपने चाय पत्ती ली है उसको आपको पीसकर एक पाउडर बना लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस नुस्खे को। सबसे पहले आपको लेना है एक क्लीन बाउल और आपको इसमें ऐड करना होगा चाय पत्ती पाउडर का। आपको फ्रेंड्स मात्र इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती पाउडर ऐड करना होगा। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा मेहंदी। आपको फ्रेंड्स इसमें मात्र आधा चम्मच ही मेहंदी पाउडर ऐड करना होगा। इस तरह से आप इसमें दोनों चीजों को ऐड कर दीजिए। और अब आपको इसमें ऐड करना होगा ऑयल। फ्रेंड्स, आपको इसमें ऐड करना होगा आंवला तेल। आंवला फ्रेंड्स एक खट्टा पदार्थ होता है जो हमारे बालों को जड़ों से काला करने में हमारी काफी हेल्प करता है। 3 से 4 चम्मच के लगभग आप इसमें तेल को ऐड कर दीजिएगा। तेल को ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी जल्दी मिक्स हो चुका है। अब आपको इसे अपने सफेद बालों पर लगाना होगा और बचे हुए पेस्ट को आप अपने बाकी के बालों पर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो इसमें चाय पत्ती पाउडर लिया है, फ्रेंड्स उसमें नेचुरली गुण पाए जाते हैं बालों को जड़ों से काला करने के लिए। और अगर आपके कितने भी पुराने सफेद बाल क्यों ना हो गए हो, फ्रेंड्स चाय पत्ती पाउडर के जरिए आप अपने बालों को हमेशा के लिए काला कर सकते हैं। और मेहंदी के बारे में तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, मेहंदी भी हमारे बालों को काला तेजी से बना देती है। और फ्रेंड्स, हमने इसमें जो आंवला लिया है, आंवला तेल लिया है, आंवला तेल भी हमारे बालों को तेजी से मजबूती देता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लॉन्गर बनाता है और बालों को तेजी से घना करने का भी कार्य करता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जिसकी सहायता से फ्रेंड्स आप अपने सफेद बालों को हमेशा के लिए काला बना सकते हैं। तो गाइस, हमने इनमें 3 चीजें ऐड की है, उन्हें मिक्स किया है। अब आपको इसे अपने बालों में लगाना है लगभग 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिएगा। जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं उससे अपने बालों को वॉश कर लीजिए और अपने बालों को हमेशा के लिए काला बना लीजिएगा। तो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए भी मुझे जरूर बताइएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।